मुजफ्फरनगर के लिए भी बेहद दुखदायी खबर, कोरोना ने दी दस्तक। मीरापुर के बीआईटी आइसोलेशन वार्ड में रखे 3 लोगों का पॉजिटिव केस, तीनों पॉजिटिव केस में 2 रांची के जबकि 1 केरल के बताए जा रहे हैं। उधर कस्बा सिसोली में भी नोएडा में रह रही एक महिला कोरोना पॉजिटिव, महिला के साथ रह रहे उनके पुत्र को भी किया गया आइसोलेट। सिसोली में हड़कंप, उधर जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने अंतर्राज्य सीमा बैराज पर जाकर किया था निरीक्षण, दिए थे निर्देश जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्र को 15 अप्रैल की सुबह तक सील के आदेश। हॉटस्पॉट क्षेत्र में लॉकडाउन की तरह मिलेगी नहीं सुविधाएं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग रहेगा मुस्तैद। घरों से बाहर निकलने की नहीं होगी इजाजत, 15 अप्रैल की सुबह तक घरों में रहना होगा कैद। प्रदेश के सभी जिलों की सीमाएं नहीं होंगी सील, इस बाबत भी किया गया खुलासा। इससे पूर्व यूपी के 15 जिलों की सभी सीमाएं सील होने पर मच गया था हड़कंप हाहाकार। शीघ्र ही शासन प्रशासन द्वारा इस बात का खंडन कर दिया गया और बताया गया सिर्फ हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र की ही सीमाएं होंगी सील, यहां पर आवागमन रहेगा पूर्ण निषेध। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल, जगह जगह पूरी तरह से स्वास्थ्य कर्मी तैयार, अब गांव गांव घर घर मोहल्ले मोहल्ले में होगी जांच। उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में अभी 12 बजे रात्रि से कर दिया गया है सील। जिलों के अंदर 100 से अधिक क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जिनमें मुख्य लखनऊ में 12, मेरठ में 7, सहारनपुर में 4, शामली में 3, गाजियाबाद में 13 और नोएडा में 22, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, कानपुर में 12, आगरा में 22, वाराणसी में 4 और फिरोजाबाद, सीतापुर, बस्ती और महाराजगंज में भी हॉटस्पॉट के कारण। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने की घोषणा, सीमाएं होंगी 15 अप्रैल की सुबह तक सील। जीपी श्री अवस्थी के अनुसार मीडिया कर्मियों को होगी आने जाने की रोक, लेकिन नहीं कर सकेंगे कवरेज। विगत पास की होगी समीक्षा, अत्यावश्यक वस्तुओं की जरूरत पर प्रशासन करेगा मदद। सीमाओं पर भारी पुलिस की चेकिंग, बिना मास्क के कोई नहीं निकल पाएगा घर से बाहर, लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी जिलों की सभी सीमाएं नहीं होंगी सील, सिर्फ हॉटस्पॉट रखें सील। पूरे देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पूरे देश के अंदर 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था, 15 दिन पूरे हो चुके हैं, 6 दिन अभी बाकी है। 14 तारीख को लॉकडाउन की अवधि पूरी होने वाली थी 14 अप्रैल को, लेकिन इससे पहले ही सर्वदलीय बैठक, खासतौर से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, और ये जो बढ़ रहे हैं केस को बढ़ते हुए यही समीक्षा की गई कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ज्यादातर 80% लोगों का, मुख्यमंत्रियों का और विपक्षी दलों के नेताओं का मानना यही रहा कि अभी लॉकडाउन खत्म करना सही नहीं होगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं, दिन पे दिन केस निकल रहे हैं। और आज खासतौर से जनपद मुजफ्फरनगर, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एक जिला है, वहां पर भी 4 पॉजिटिव केस होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 3 केस बीआईटी से मिले हैं, जबकि एक शाहपुर की रहने वाली महिला जो कि नोएडा में इलाज करा रही थी, वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके बेटे को भी आइसोलेट किया गया है, सबकी कुंडलियां निकाली जा रही है, कौन किससे कहां मिला है इस बाबत भी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है जिला प्रशासन। इससे पूर्व भी जो जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, उन्होंने अपील भी की थी कि जिसके अंदर भी कोरोना कोई सिम्टम्स है या कोई जमाती कहीं छिपा हुआ है तो स्वयं आकर बताए, नहीं तो खिलाफ कार्रवाई होगी। उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है, बताया नहीं है, अनाउंस नहीं किया है कि वो वहां जाके आया है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि यह जानते हुए कि वो कोरोना हॉटस्पॉट है, वहां से वो वापस आया है, उसके बाद भी लगातार मूवमेंट में रहा, इधर से उधर जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, तो यह मानते हुए कि जानबूझकर संक्रमण को फैलाने के उद्देश्य से यह किया गया है, उसके विरुद्ध भविष्य में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट व रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे ही आज उत्तर प्रदेश के 15 जनपद को सील करने की सूचना आम हुई तो पूरे प्रदेश के अंदर हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया और लोगों में आम धारणा बन गई कि सभी जिलों की यदि सीमाएं, इन 15 जिलों की सीमाएं बंद कर दी जाएंगी, सील कर दी जाएंगी तो कैसे होगा, क्या होगा, इस पर एक हड़कंप मच गया था। लेकिन शीघ्र ही वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद सुन सकते हैं और जिलाधिकारी को भी सुन सकते हो कि उन्होंने आनंद फानंद में इसके लिए एक वीडियो जारी किया और कहा कि सभी जनपद सील नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वही उसी क्षेत्र को सील किया जाए। कोई भी अफरा तफरी वाला कार्य ना करें, अभी तो इसके अपने घर पे रहें और लॉकडाउन का पालन जैसे कि पहले भी करते आ रहे थे उसी तरह से लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए इसको सफल बनाएं।
लगने या सीमाएं सील होने की अफवाह पर शीघ्र लगाम जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने भी लगाया। उन्होंने भी वीडियो जारी करते हुए साफ कर दिया कि सीमा कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, सिर्फ जो हॉटस्पॉट है उसी क्षेत्र में सीमाएं सील की जाएगी, वहां की आवाजाही रोकी जाएगी, स्वास्थ्य परीक्षण चलता रहेगा, मास्क लगाकर सभी को निकलना होगा और हॉटस्पॉट क्षेत्र में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। सुनिए वनी की खबर। लोगों से अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, यदि वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफ़ी गंभीर है और कोई अनहोनी न हो इसलिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और 100 से अधिक जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी की आवाजाही ना हो, हर हाल में सभी को घर रहना होगा, जो भी बाहर निकलेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, इस बाबत हमारी विश्व प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर सुनीता जी से वार्ता हुई। आइए सुनाते हैं उन्हीं की जबानी क्या खाएं और कैसे स्वस्थ रहें। ऑफ इंडिया के जो सुझाव और जो हाइजीन पर जितना भी दिया जा रहा है उसके साथ साथ मैं एज ए चीफ डाइटिशियन मैं कुछ खान पान से संबंधित कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि अपने खाने में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो, और जब बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम काफ़ी कुछ इस कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। तो इनमें बस सिर्फ तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वाइटामिन सी रिच फूड्स, वाइटामिन ई रिच फूड्स एंड हाई प्रोटीन को अपने खाने में इस्तेमाल करना है। तो जो हमारे वाइटामिन सी रिच फूड्स हैं उसके अंदर आंवला, नींबू और आंवले का मुरब्बा, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं और हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, वेजिटेबल सूप हैं, इन सब चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल करें। और सबसे पहली चीज़ जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, साथ ही गुनगुना होना चाहिए ताकि हमारे गले में खराश, जुकाम आदि को आराम मिल सके। और प्रोटीन वाली चीज़ों में जैसे एग लिया जा सकता है, मीट, चिकन ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। और जो लोग ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो वो दालें हैं, और दालें, राजमा, दही, ताज़ा दही ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ जो हमारी देशी चीज़ें हैं जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, तुलसी, फ्लैक्सीड, इन चीज़ों को हम सुपर फूड्स के रूप में मानते हैं और बहुत ही हमारे अच्छे बॉडी इम्यून बूस्टर्स होते हैं। तो इन चीज़ों का डेली खाने में इस्तेमाल करें ताकि हम बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ाएं और कोरोना वायरस से सेफ रह सकें। थैंक यू। अभी आपने सुना कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या खाकर स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो बुरी खबर आ रही है कि देश के अंदर कोरोना के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, केस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेरी सभी से ये ख़ास तौर से अपील है, प्लीज़ 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 अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, हाथों को धोते रहिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा, मास्क हर हाल में लगाइएगा और अपने शासन प्रशासन के प्रोग्राम को सहयोग दीजिएगा। मैं आरिफ इशमली, चीफ एडिटर बार और बैंक।